वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अधीन MHSC अर्थात मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर पीतल बस्ती रामपुर रोड मुरादाबाद में 27 सितंबर सोमवार को ODOP योजना के तहत 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से आए सहायक आयुक्त उद्योग मनीष पाठक ने तालियों की जोरदार आवाजों के बीच फीता काट कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दक्षता कौशल विकास उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण स्कीम के तहत धातु शिल्प में 10 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन 6 अक्टूबर 2021 को होगा। फीता काटने की औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात मुख्य अतिथि एवं असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज मनीष पाठक MHSC के महाप्रबंधक डॉक्टर रविन्द्र कुमार तथा श्री राजीव व मोहम्मद अक्रम और एक महिला प्रशिक्षणार्थी सभा ने दीप प्रज्वलित करके भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त मनीष पाठक महाप्रबंधक डॉक्टर रविन्द्र कुमार तथा मोहम्मद अक्रम राजीव और सभा का बुके भेंट करके स्वागत भी किया गया। महिला ट्रेनी सभा को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन दस्तकार नेता ब्रास कारखानेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के पूर्व सदस्य हाजी आजम अंसारी ने किया। श्री अंसारी ने इस अवसर पर कहा, राजीव जी से सीखना है आपको कि आपको इंडस्ट्री के साथ साथ इलेक्ट्रिक पर कैसे जाना है। पाठक जी, इनके पास स्कीमों का पटारा है, वो खुलवाना आपकी जिम्मेदारी है। और रविंद्र शर्मा जी के पास तो खजाना है, उसमें तो खोज लेना पड़ेगा कि आपको क्या मिला। मैंने जैसा कि आपको कहा था, एक जनपद एक उत्पाद, तीन अधिकारियों की मेहनत है जो आज आपके सामने फाइनल हो रही है। MHSC के मोहम्मद अकरम ने इस अवसर पर जैम पोर्टल और ऑनलाइन कारोबार के बारे में जानकारी देते हुए बताया, देखिए आज के जमाने में जो कारोबार है उसको अगर हम ऑफलाइन करें वो एक सीमित रहेगा। हम 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग से जुड़ सकते हैं, 200 लोग से 500 लोग से, उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं जुड़ सकते। लेकिन वही कारोबार अगर ऑनलाइन हो तो अनलिमिटेड हो जाता है, उसमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितने कस्टमर हैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फ्लिपकार्ट अमेज़न इन सब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक अभी 5 दिन पहले का एक रिकॉर्ड है, जितने स्कूटर सारी कंपनियां बेचती थी, ओला का नाम सुना है आप लोगों ने, ओला अब तक कैब चलता था, ओला से आप लोगों को कहीं जाना है ऑनलाइन कैब बुक करिए आपके घर पे आ जाएगा। MHSC के ही राजीव कुमार ने बिजली के सदुपयोग तथा सुरक्षा उपायों की जानकारी देते हुए कहा, बहुमूल्य समय देकर आप उपस्थित हुए। जैसे आता भाई ने बताया, समय की थोड़ी सी आप लोग आए टाइम से, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इतनी जनसंख्या आपकी इतनी संख्या हुई, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अपना सभी लोग अपना या तो आप अपना काम करते हैं या किसी कामों में काम करते हैं तभी आप कारीगर हैं, नहीं तो आपका अगर फर्म है तो आप कारीगर नहीं है, आप एक्सपोर्टर होते। कहीं ना कहीं आपके शारीरिक एवं भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए विद्युत की एकदम आवश्यकता हर मोड़ पर पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें विद्युत की आवश्यकता ना पड़ती हो, तो ये गलत होगा। MHSC की प्रशासनिक अधिकारी सुधा अस्थाना ने इस अवसर पर MHSC के लक्ष्य व उद्देश्यों पर रोशनी डाली। MHSC के सुंदर एवं आकर्षक प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित लगभग 70 प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं सहायक आयुक्त उद्योग मनीष पाठक ने इस अवसर पर कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ऐसी योजना है जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को देखा, जब सुना इसके बारे में, तो उन्होंने दूसरे विभाग में भी इस योजना को लागू करवाया, जो किसी को पता नहीं है, जो जानते नहीं, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की एक योजना है, उसमें भी वहाँ पे एक जनपद एक उत्पाद के तर्ज में लिखा हुआ कि हम ये सब काम करें। तो दूसरे विभागों में जो केंद्र सरकार की योजना है वहाँ भी इस थीम पर लागू किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी योजना होगी, कितनी महत्वपूर्ण योजना। एक योजना एक सिंगल योजना नहीं है, ODOP में कई योजना है। अभी आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है ट्रेनिंग के लिए।
एमएचएससी के जनरल मैनेजर डॉक्टर रविंद्र कुमार ने इस अवसर पर कहा, मगर जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कुछ ट्रेनिंग या कुछ मतलब प्रशिक्षण लेने के लिए जब हम जाते हैं तो डेफिनेटली हमें उसमें अपना आंतरिक विकास होता है। आंतरिक विकास पर सीधे हमारे जीवन पर उसका असर पड़ता है। ये एक जनपद एक उत्पाद, एक जनपद एक उत्पाद में हस्तशिल्प का 10 दिवसीय प्रशिक्षण हमारा मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर में है, जो TIC मुरादाबाद है, जिसको पूरी तरह से मतलब बहुत ही बारीकी के साथ में इसको वाच भी कर रहे हैं कि क्वालिटी का क्या स्तर है। देखिए, 10 दिन के अंदर हम प्रशिक्षणार्थियों को ये भी हमारा जितने भी ट्रेनिंग है हमारा ये उद्देश्य रहता है। उद्घाटन समारोह के अंत में सिटी चैनल से बात करते हुए सहायक आयुक्त उद्योग मनीष पाठक ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में कहा, ये ट्रेनिंग की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है MHSC में। पहले व्यवस्था ये RCT में हुआ करती थी, लेकिन हम लोगों ने चूँकि यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग को जो सिलेक्ट करते हैं तो उनके लिए जरूरी था कि उन्हें उच्च स्तर के तकनीकी ज्ञान को उपलब्ध कराया जाए उनके पास में, तो इसलिए हमने इस संस्थान का चयन करवाया कि पहले वहाँ से, चूँकि वहाँ पर सिर्फ बैंकिंग की जानकारी मिलती थी, लेकिन यहाँ पर जब तक वो तकनीकी जानकारी हासिल नहीं करेंगे तब तक उनका अपग्रेडेशन नहीं होगा, तो इसीलिए MHSC में उनका सिलेक्शन करवा करके सेंटर को बदला गया। और जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसमें हम कई चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि वो इस प्रोग्राम के बारे में कितने सिंसियर अवेयर हैं, उनके पास समय है कि नहीं, 10 दिन तक वो ट्रेनिंग में लगातार आ पाएंगे या नहीं, उनके पास बेसिक जानकारी है और वो इससे कितना प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो चूँकि अभी ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, फिर बाद में टूलकिट मिलेगा, तो बात बाकी चूँकि ये ODOP हमारा जो है एक बंडल ऑफ प्रोग्राम है, इसमें कई सारे स्कीम्स हैं, तो सबको मिला करके एक बनाया गया एक रूपरेखा सरकार की कि पहले ट्रेनिंग देंगे, फिर उनको हम वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे, और उसके बाद फिर तब वो जब उच्च स्तर के प्रोडक्ट बना करके मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे तो फिर उनको जो है निर्यात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये उम्मीद है कि ये बैच बहुत ही अच्छा है, सब लोग मुझे बहुत सिंसियर लगे और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग आगे अच्छे उद्यम। जनरल मैनेजर डॉक्टर रविंद्र कुमार ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए बताया, देखिए ये एक जनपद एक उत्पाद में धातु शिल्प पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिससे हम जो हमारे मुरादाबाद में कारीगर हैं उन कारीगर को तकनीकी अपग्रेडेशन के साथ साथ में मार्केट अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये एक 10 दिवसीय प्रोग्राम है जो आज इसका स्टार्ट किया है इस प्रोग्राम को हमने, और ये 10 दिन ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हम अलग अलग विभागों के अधिकारी से उनके विभाग से संबंधित क्या योजनाएं हैं जो हमारे आर्टिजन के लिए बहुत लाभकारी हैं वो सभी रखेंगे। साथ में इनको हैंडीक्राफ्ट के आइटम का कास्टिंग कैसे करना है, स्क्रैपिंग कैसे करना है, पॉलिशिंग कैसे करना है, पॉलिशिंग के बाद में इसको जो मेटल फिनिशिंग है, मेटल फिनिशिंग में लैकरिंग आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आता है, पाउडर कोटिंग आता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी अलग अलग तरह की प्लेटिंग आती हैं, जैसे गोल्ड प्लेटिंग है, सिल्वर प्लेटिंग है, निकिल प्लेटिंग है, ब्रास प्लेटिंग है, इन सभी का हम अलग अलग दिवसों में इनको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के साथ साथ में इनको प्रयोग भी कराएंगे, मतलब इनके हाथ से भी हम ये काम कराएंगे ताकि ये प्रैक्टिकल भी होगा थ्योरी के साथ साथ। यस यस। अच्छा, ये टोटल कितने ट्रेनीज हैं? देखिए, ये इस समय हमारे पास में 70 ट्रेनी हैं, इन 70 ट्रेनीज में से 25 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं।